बहुत से स्पष्ट है, 3 नंबर के आकलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पिंटू जोशी 10 साल से उस पीठ पर सेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और पार्टी ने 10 दिन पहले गोलू शुक्ला को वहाँ पर भेज दिया, तो 10 साल और 10 दिन का जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ कहानी तो कहता ही है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, 17 नवंबर को मतदान हो गया है। लोगों ने, आम जनता ने अपने विवेक का निर्णय बटन दबाकर मतपेटियां, जिसे कह सकते हैं हम आज की तारीख की, उसमें डाल दिया है ईवीएम मशीन में, और 3 तारीख को इसका परिणाम आना है। इस बीच कई राजनेता चुनाव के परिदृश्य से बाहर हो गए, कुछ तेलंगाना चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, लेकिन 3 का तनाव बरकरार है। हम जानना चाहेंगे कि ये 3 तारीख को क्या परिणाम आ सकते हैं, ये कैसा तनाव रहता है। हम यह जानकारी लेना चाहेंगे राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन से, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है और इस राष्ट्र की राजनीतिक धाराओं को बरोबर देख रहे हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का तनाव रहता है परिणाम को लेकर राजनेताओं के मन में, आम जनता के मन में। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरणों को साधने का काम व्यवस्था के द्वारा किया जाता है और व्यवस्था को समर्पित करने के लिए उन लोगों का योगदान लिया जाता है जिन्हें उस व्यवस्था के अनुरूप चलने की आदत बनाना पड़ती है और जो उनके साथ चलने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने द्वारा दी हुई व्यवस्था संचालकों के माध्यम से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का नाम ही चुनाव है जी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आम जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, लेकिन प्रतिनिधि कई बार सब्जबाग भी दिखाता है और कई बार अपने कर्मों के फल को पाने की इच्छा रखते हुए चुनाव मैदान में उतरता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार जब परिणाम आने की बात होती तो उसके मन का भाव कैसा रहता है। मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आप भी एक चुनाव लड़ चुके हैं और आप यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक आम जनता को ये मालूम पड़े कि किस प्रकार का मन का भाव रहता होगा। आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को चलाने वाले जो लोग उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें अपने द्वारा किए हुए कार्यों की संपूर्णता और उसकी समग्रता और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता पर विश्वास होता है, वो निर्द्वंद भाव से अपनी यात्रा करते हैं। जो लोग अवसर का लाभ उठा करके मैदान में किसी पार्टी के द्वारा या किसी आत्मविश्वास के द्वारा मैदान पकड़ते हैं, उन लोगों के सामने कठिनाइयों का मेला लगा रहता है। ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तब आदमी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं पर घिरा हुआ महसूस करता है। गुरुजी, हम इंदौर परिदृश्य को देखें, इंदौर जिले में 9 सीटें हैं, 9 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा का नंबर 3 भी है। तो हम उस शुरुआत में यही बात करते हैं कि 3 नंबर में गोलू शुक्ला और पिंटू जोशी के बीच में चुनाव चल रहा है और उसमें दोनों युवा वर्ग के हैं, एक महेश जोशी जी के छत्र छाया में है तो एक विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के छत्र छाया में, दोनों अपने पिता के कार्यों या परिवार के कार्यों को लेकर के बात उतरे हैं। देखिए, जहाँ तक 2 लोगों की छत्र छाया का आप वर्णन कर रहे हैं, स्वर्गीय जोशी जी, महेश जोशी जी और स्वर्गीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला, ये दोनों इस ज़मीन पर आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो कीर्ति कथा और उनके जो क्रियाकलापों की जो छवि है वो आज भी समाज में व्याप्त है। अब रहा प्रश्न 3 नंबर के चुनाव का और आप 3 की विशेषता बना रहे हैं, 3 जो है त्रिविक्रम है और त्रिविक्रम को लेकर के जो आप सोच रहे हैं, तो तारीख अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो सकती है, अंक एक अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और उसका फल उससे जुड़ा हुआ होता है और जब व्यक्ति का कर्म और फल उससे जुड़ा होता है तो जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। जी, चूंकि आप पूरे चुनाव को देख रहे होंगे, आपको कुछ 3 नंबर विधानसभा में एक आकलन आपकी निगाह से कुछ निकल कर आता है क्या? बहुत से स्पष्ट है, 3 नंबर के आकलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पिंटू जोशी 10 साल से उस पीठ पर सेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है
और पार्टी ने 10 दिन पहले गोलू शुक्ला को वहाँ पर भेज दिया, तो 10 साल और 10 दिन का जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ कहानी तो कहता ही है। जी बिल्कुल, आपने स्पष्ट शब्दों में, चूंकि आपकी टिप्पणियां हमेशा बेबाक रहती है और आम जनता इसे पसंद भी करती है, भले ही किसी का इसमें कोई भी हित हो अहित हो, लेकिन आप जो स्पष्ट शब्द बताते हैं वह आम जनता को पसंद आता है। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, शहर से जुड़ी हुई 3 ग्रामीण सीटें हैं जिसमें देपालपुर, राव और सांवेर है। देपालपुर में एक बागी उम्मीदवार है, क्या आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं? बागी उम्मीदवार जिसे आप कहते हैं वो किसी पार्टी के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर के कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता होता है। जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती तो वो बागी बनकर के मैदान में खड़ा होता है, और बागी होने के कारण उसे इस बात का आत्मविश्वास होता है कि उसने इन दिनों विगत वर्षों में जो जनता जनार्दन के बीच में रह करके सेवा कार्य किए हैं, उन कार्यों के उपलब्धि के स्वरूप उसे निस्संदेह निर्वाचन का लाभ मिलेगा। इसलिए संगठन भले ही उसे अस्वीकार कर दे, उसकी आत्मा उसे स्वीकारोक्ति प्रदान करती है और वो निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से समाज के सामने खड़ा होकर के अपनी आवाज़ लगाता है, और उसको आप बागी कह देते हैं। तो ये व्यक्ति के आने से देपालपुर का परिदृश्य कुछ स्पष्ट होता है क्या? जब तब हिसाब किताब का विभाजन होगा तो निस्संदेह चाहने वालों के रूप में होगा कि किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, और अपनी अपनी पसंद के अनुरूप प्रजातंत्र में कौन सा व्यक्तित्व उनके काम की रूपरेखा को सुचारू रूप से अंजाम दे सकता है, ये निर्णय तो जनता करती है। वही मैं आकलन चाहता हूँ कि अगर आपने इस चुनाव को देखा होगा तो देपालपुर की जनता का किस दिशा में जा रही है, या मत का विभाजन किस दिशा में जा रहा है, कुछ ऐसा हम दर्शकों को बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों की उपस्थिति जी, एक बागी के रूप में और एक प्रत्याशी के रूप में जी, है इस बात की घोषणा करती है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मतों का विभाजन होगा, और जहाँ पर विभाजन होता है वहाँ पर कहीं पर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कम पूंजी में व्यापार करने के अगर प्रयत्न करें तो कितना सफल हो पाता, तो कम पूंजी में ये जो व्यापार की प्रक्रिया है ये अधिक एक ही दल के 2 उम्मीदवारों की उपस्थिति से बंटवारे की जो नौबत आती है वो कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंजाम से खसका देती। बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत घुमा के स्पष्ट किया है कि देपालपुर के अंदर अब कांग्रेस का दम ज्यादा दिख रहा है। ऐसा मैंने नहीं कहा, नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस का दम दिख रहा है, दम तो मुझे भाजपा का ही दिख रहा है उसमें, लेकिन दम जो है कहीं ना कहीं पर घोड़े के 2.5 घर चलने से मात हो जाती है। बरोबर, राव विधानसभा में मधु वर्मा का टिकट बड़े पहले ही डिक्लेयर हो गया था, वो पुराने खांटी रहे हुए हैं, आईडी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो वहाँ पर जीतू पटवारी एक प्रकार से बंद गए थे, ज़्यादा घूम नहीं पाए, वहाँ का आकलन कुछ किस दिशा में जाता है? जीतू पटवारी जो हैं वो कर्मठ के साथ साथ बड़बोले भी हैं जी, और मधु वर्मा जो है वो बोलता कम है काम ज़्यादा करता है, लेकिन उसे अभी तक किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि बनकर के काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसी अवसर की तलाश के लिए पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना करके राव भेजा है। पिछले निर्वाचन से निर्वाचित होकर के पटवारी ने जो अपनी छवि को डेवलप किए, उस छवि को धूमिल करके या उस छवि पर अपने छवि को प्रकाशित करके मधु वर्मा जितना भी चल पाएंगे वो उनकी उपलब्धि। बड़ा स्पष्ट कर दिया आपने, आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये दिशा किधर जा रही है। सांवेर की बात करते हैं गुरुजी, तो सांवेर में पूर्व कांग्रेसी जो वर्तमान में भाजपा के हैं तुलसीराम सिलावट, और सामने प्रेमचंद गुड्डू की लड़की रीना बोरासी सेतिया चुनाव मैदान में है। कहते हैं कि रीना बोरासी सेतिया पिछले कई वर्षों से दिनों से क्षेत्र में काम कर रही है, तो
क्या उम्मीद है कि उनका मंत्री जी का कद जीतेगा या रीना बोरासी अपनी कार्य के बल पर आगे आएंगी? दो दल बदलुओं के बीच में होने वाला चुनाव इस मानसिकता का परिचायक होता है कि ना तो ये इधर के हैं ना उधर के हैं, वो अपने स्वार्थ के हैं। तो स्वार्थ के कारण जो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में लाए गए तुलसी सिलावट या वो कौन सी मैडम रीना बोरासी हैं, इन दोनों के बीच का जो द्वंद है वो इस बात का परिचायक होगा कि किसने वहाँ की जनता के मन पर अपने आप की छवि को अंकित किया है। तुलसीराम सिलावट जो हैं वहाँ से प्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में कार्य करते रहे, उन्होंने भी दल बदला है। जब उन्होंने दल बदला है तब वो कांग्रेस से बीजेपी में आया, बीजेपी के लोग कितना विश्वास उनके प्रति अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ का कार्यकर्ता, बीजेपी के लोगों ने तो उसे अपने आप में ग्रहण कर ही लिया है, लेकिन वहाँ का कार्यकर्ता उन्हें कितने रूप में ग्रहण करता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मानसिकता ही पार्टी के संगठन को मुफीद रूप से आगे बढ़ाने के लिए दायित्ववान होती है। गुरु जी, हम थोड़ा सा इंदौर शहर को, जिले को छोड़कर हम बाहर जाने का प्रयास करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी भी मैदान में हैं, नड्डा जी भी हैं, अमित शाह भी मैदान में हैं, इंदौर में मोदी जी ने रोड शो भी कर दिया है, तो आपका एक दृष्टि सिंहावलोकन कहें जिसे हम, वह 5 राज्यों में से खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति कैसी दिखाई देती है? देखिए, मोदी जी रोड शो करें या यहाँ पर आकर के आम सभा करें जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्थन में अपनी बात कह करके अपनी पार्टी की क्रियाकलापों से जनता के हित की समालोचना, आलोचना और प्रगति, इन तीनों की विवेचना करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से। जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि के रूप में है, उस जनप्रतिनिधि के प्रति जनता का विश्वास कितना है, उस जनप्रतिनिधि को वहाँ की जनता ने किस तरीके से व्यवहृत किया है, उस जनप्रतिनिधि के द्वारा किए हुए कार्यों का कीर्ति स्तंभ क्या है, इन सब बातों को जनता सोचती है, विचारती है। रहा प्रश्न राजनीतिक प्रबलता का, तो भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक रूप से देश में सबसे प्रबल पार्टी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसके पास संगठन है, संगठन में कार्यकर्ताओं का जोश है और उन्हें अपनी पार्टी को जिता लाने की एक बहुत भारी तमन्ना है। उस तमन्ना के साथ उसने इस चुनाव में अपने कार्यकलापों को किया है और किया है तो उसे जीत की का विश्वास है और उस विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। अब वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, जनता किसके प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति करती है ये उस सामान्य जन जीवन पर निर्वाह करता है जो इस प्रजातंत्र की व्यवस्थाओं को झेलता है। मैं पुनः आम जनता के लिए आपसे स्पष्ट रूप से चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन दिखा सकती है, राजस्थान में? कोई भी पार्टी अपनी पोजीशन को निम्न स्तरीय नहीं बताती। जी जी नहीं गुरु जी, मैं कोई भी पार्टी अपने आप को निम्न स्तरीय नहीं बताती। जो भी पार्टी है वो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, हारने के लिए कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। अगर कोई कैंडिडेट ये जानता है कि मैं पराजित भी हो जाऊंगा तो भी घोषणा उसकी जीत की ही हुआ करती है। तो रहा प्रश्न जनता के मन को पढ़ करके उसके अनुसार योजनाओं को ला करके उसके मन को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सबसे बड़ी राजनीतिक क्रिया वस्तु है और इस राजनीतिक क्रिया वस्तु में भारतीय जनता पार्टी ने जनजीवन में प्रदेश की आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए जिन योजनाओं का संचयन किया है, उन योजनाओं के माध्यम से भाजपा को ये विश्वास है कि इसकी पार्टी ही जीत करके आएगी।
जी बात करते हैं अब राजस्थान की, तो राजस्थान में भी गहलोत जी ने कई प्रकार की इसी प्रकार की योजनाओं को लागू किया है और कई योजनाएं ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में की गई वैसी की वैसी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी है। तो दोनों राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं? कोई भी पार्टी बुरा करने के लिए चुनाव नहीं जीतती, वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो जनता के सामने जो अपने विचारधारा और जो अपने कार्यक्रम रखती है वो जन प्रतिनिधि होने के नाते जन सुविधा के अनुरूप होते हैं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के परिचायक होते हैं। इसलिए भाजपा जो करेगी वो जनता के लिए करेगी, कांग्रेस जो करेगी वो जनता के लिए करेगी, और करने मात्र दोनों दलों के बीच का अंतर आ जाएगा। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है, कार्य पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जन विरोधी है या ये जन सहयोगी है, तो सारे जन सहयोग की अपेक्षा से ही तो मैदान पकड़ते हैं जी। नहीं, मैं फिर स्पष्टता से जानना चाहूंगा राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। राजस्थान की तो प्रकृति है जी कि एक बार वो कांग्रेस को जिताता है और एक बार भाजपा को जिताते हैं। अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ की स्थिति पे, तो छत्तीसगढ़ में भी काफी कुछ अच्छा कार्य किया है, चूंकि वहां पर रमन सिंह के अलावा कोई नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, लेकिन फिर भी एक अच्छा। मध्य प्रदेश में आपको शिवराज के सिवा दूसरा व्यक्ति तो नजर आ रहा है क्या अभी फिलहाल? जी बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर व्यक्तित्वों की कमी नहीं है जी। सवाल संगठन के द्वारा निर्वाचित होने वाली उस इकाई का है जिसे वो नेतृत्व प्रदान करेगी जी। तो संगठन ने अभी नेतृत्व की दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष की संख्या को प्रसारित नहीं किया है। तो मैं विराम करता हूँ। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष और राष्ट्र कवि, जिन्हें किसी भी प्रकार के मतलब जिनके बारे में जो भी कहेंगे हम, जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा प्रयास रहेगा, इन्होंने स्पष्टता से भी बताया है और कई बार आपको फिलासफी, जिसको कहते हैं कि आम जनता जो उनके प्रबुद्ध वर्ग जो इन्हें पढ़ता है सुनता है देखता है, वे सब समझ रहे हैं कि गुरु जी की भाषा किस दिशा में बताने का प्रयास कर रही है। तो हमारे सनातन धर्म में तीन का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम तीन तिघाड़ा भी कहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है। ऐसी ही 3 दिसंबर की तारीख आ रही है, जिस दिन चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। देखना यह है कि इंदौर ज़िले की 9 सीट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीट मिलती है, और गुरु जी के आकलन के अनुसार जो आम जनता के दृष्ट जिन्होंने बटन दबाया है आम जनता ने, वैसा प्रतिफल कैसा प्राप्त होता है, यह देखने की बात है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन दिव्यांशु शिंदे के साथ मनोज दादिज की रिपोर्ट।